तो आज Recording in progress. आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग. जी हाँ, एक्सेल के अंदर जो VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्या कोर्स है, कैसे सीखेंगे, इनके बारे में हम आपके साथ जिक्र करने वाले हैं आज. तो सबसे पहले जानते हैं कि VBA होता क्या है. तो VBA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. अब इसका ध्यान आप ये रखिएगा कि ये कोई VB6 नहीं है, VB Studio नहीं है या .NET नहीं है. क्यों? क्योंकि इनकी मदद से आप अपने लिए एक नई एप्लीकेशन को तैयार करते हैं. जी हाँ, एक नई एप्लीकेशन को तैयार करते हैं. बट ये जो है आपके लिए VBA जो है ये MS Office के अंदर, जी हाँ MS Office के अंदर नए टूल्स को डेवलप करता है. एक कोई अलग एप्लीकेशन नहीं बनाता, एक्सेल में ही नए फीचर को डेवलप करता है. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोज की. अब मैक्रोज से एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है ध्रुव जी, कि जो व्यू के अंदर जो रिकॉर्ड मैक्रो होता है, क्या ये मैक्रो है? देखिए, बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ये होती है कि मैक्रो इट मींस जो हम यूज करते हैं, जो रिकॉर्ड का यूज करते हैं, और VBA जो इनकोडिंग करते हैं. अब यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए. आप VBA के मदद से या रिकॉर्डिंग के मदद से बनाएंगे मैक्रो ही हैं. रिकॉर्डिंग एक टूल्स है जो कि आपके लिए वो मैक्रो क्रिएट कर देता है, वो प्रोग्रामिंग खुद ब खुद कर देता है. मतलब जो आप रिकॉर्ड कर दिए, रिकॉर्ड करने के बाद कुछ भी कर दे, जैसे मैंने H1 पे हमने लिख दिया नेम और यहाँ स्टॉप कर दिया. आप व्यू मैक्रो में जाके देखोगे तो मैक्रो 1 जो बनाया, तो ये सेम हम लोग जो मैक्रो VBA के थ्रू खुद से प्रोग्रामिंग करके बनाएंगे, और रिकॉर्डिंग मैक्रो जो मैक्रो प्रोग्रामिंग बनाया, ये सब सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है. बस रिकॉर्डिंग मैक्रो ने खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर दिया. अब क्वेश्चन आता है, जब रिकॉर्डिंग मैक्रो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर देता है तो फिर हम क्यों सीख रहे हैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो की एक लिमिटेशंस है कि वो डायनेमिक नहीं हो सकता, कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, लूपिंग नहीं कर सकता, कंडीशन अप्लाई नहीं लगा सकता, तो ऐसी बहुत सारे इंटरफेस नहीं दे सकता, फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं. तो मैक्रोज बनाते हैं. अब मैक्रोज का काम होता क्या है, पहली चीज़ को जान लेते हैं. मैक्रोज का काम होता क्या है? देखिए, आप जो काम मैनुअल करते हैं उसी काम को बड़ी आसानी से कर देता है. जी हाँ, उसी काम को बड़ी आसानी से कर देता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हालांकि प्रोग्रामिंग तो आपको पता नहीं होगी, फिर भी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे कि नेम दिया हम, यहाँ पे हम नेम टाइप कर देते हैं और मंथ दे देते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा डेटा तैयार कर रहा है. अब मेरे पास क्या है कि तकरीबन एक फाइल के अंदर या एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे डेटा शीट या फाइल है. अब मुझे उनको कोलेट करना है एक अलग, एक शीट के अंदर, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे. अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मैं उसको मैनुअल करूँगा तो टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ गलती भी हो सकती है ना. हो सकता है कोई डेटा दो बार आ जाए, कोई डेटा एक बार आ जाए. सुन रहे हैं जैसे ग्रुप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? सर हाँ, यस सर, यस सर, सुन रहे सर. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ पे एक मैक्रो बनाएंगे, ये सब्जेक्ट, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉपी डी के नाम से मैक्रो बना दिया. और जो प्रोग्रामिंग लिखना है लिख दें, कुछ लाइन का प्रोग्रामिंग यह होगा, और I equal to चले 1 2 sheets dot count -1 next I यहाँ पे sheets I dot
select range A1 dot current region dot copy sheets data dot select range A 65 से बस लास्ट लाइन है, ये चार लाइन की कोडिंग हमने कर दी। बस और यहाँ मैसेज दे दीजिए MSG बॉक्स डेटा अभी माइक्रो बन गया। अब मुझे क्या करना है, माइक्रोज में जाना है और जो हमारा कॉपी डी का माइक्रो बस इसको रन कर देना है। रन करते हैं, कुछ ही सेकेंड में देखिए डेटा को कॉपी करके ला दिया, दिख रहा है सर। तो हमारा हम बात कर रहे थे माइक्रोज की, तो माइक्रोज आपके काम को जो काम मैनुअल आप करते हैं उसको विद इन सेकेंड में करके दिखा देता है। मतलब आपके घंटों का एक टूल्स एक ऑटो पायलट जनरेट कर देते हैं कि आपके जगह पे आपके रिपोर्ट्स और आपके काम को कर देता है। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे कि वी लुकअप एक्स लुकअप जैसे फॉर्मूले हैं, आप इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो में यूज करना चाहते हैं या आप एक्सेल शीट पे यूज करना चाहते हैं। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म आप एक इंटरफेस तैयार करना चाहते हैं, जो माइक्रो होता है इस तरह का इंटरफेस तैयार करना चाहते हैं पॉपअप, जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है ना, इस तरह के जो पॉपअप होते हैं वो पॉपअप आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक फाइल होगी मेरे पास, इंटरफेस मतलब कि यहाँ हम लोग यूजर फॉर्म यहाँ से इंसर्ट करके इसके ऊपर बनाते हैं। और बेसिकली मेरे पास मेरा ड्राइव नहीं है फिलहाल क्योंकि यह छुट्टी पे हूँ, वरना मैं आपको दिखा सकता था कि किस तरह के इंटरफेस हम तैयार करते हैं। ओके सर, ओके सर। अब बात करते हैं कोर्स के ऊपर, जो कोर्स है हमारा उस कोर्स के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको मेरी कोर्स की डिटेल चाहिए होगी तो उसके लिए जाना होगा मेरी वेबसाइट iptindia.com। जी हाँ, iptindia.com पे आप जाते हैं तो वहां पे मेरी वेबसाइट्स की डिटेल्स आपको मिलेगी। मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेज है। पहली हमारी जो क्लासेज है वो है लाइव क्लासेज, जो अभी आप मुझसे ले रह पा रहे हैं वो लाइव क्लासेज। दूसरा वीडियो क्लासेस भी है। अगर हम वीडियो क्लासेस की बात करें तो आप वीडियो क्लासेस को आप अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं, सिस्टम पे मोबाइल फोन दोनों पे। अगर सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास पे जाएं, क्लिक करें तो यहाँ ऐप डॉट एक URL देख पा रहे हैं app.iptindia.com पे जाके अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। अब इसको लॉगिन करेंगे तो आपको चार डिजिट का OTP आएगा। ये कोर्स तो मैं ले लिया सर आपसे। ओके, मैं एक बार मैं समझा देता हूँ उसके अंदर के कोर्स कैसे यूज करेंगे। ओके ओके,
और दूसरा आप लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो मेरे लाइव डॉट आई पी टी इंडिया डॉट कॉम पर चले जाएंगे, लाइव डॉट आई पी टी इंडिया डॉट कॉम पर। तो दो है, एक हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, दूसरा हमारा लाइव क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मोबाइल ऐप के जरिए भी होता है, हमारा प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, दोनों पे है, एंड्रॉयड पे जाइए एक्सेल, आप एक्सेल मैच ट्रेनिंग मिलेगा, और सिस्टम पे आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, स्टोर में जाके आप कोर्सेज को ले सकते हैं। आप कोर्स को यूज़ कैसे करेंगे, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है, देखिए मेरे पास जो कोर्सेज है वीडियो फॉर्म में साथ में इसकी कोडिंग फाइल भी है, और ये रेगुलर अपडेट भी होते रहता है। जैसे कि आपने अगर इसको खोला डीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग को, तो यहाँ पे तो चीज़ें दिखती हो दिखती है, इसी के कंटेंट में आप जाते हैं। इसमें बता दूँ क्या क्या, 146 वीडियोज हैं, 24 फाइल्स हैं, 10 साल की वारंटी है, और इसमें ये सारे फ्री वीडियोज हैं जिसको आप देख सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं हो रहा, अच्छा लॉक नहीं है ना, उसके बाद अगर हम इसके कंटेंट पे आते हैं जहाँ पे मेरे सारे वीडियोज आपको देखेंगे, यहाँ पे आप आइए, इसके दो चैप्टर है, वीवीए प्रोग्रामिंग है, और यहाँ पे तो आपको इसके सीक्वेंस से जाना। अब इसको यूज़ करने से पहले आपको इन दोनों में से कोई एक वीडियो यूज करना है, लिखा हुआ ना, फर्स्ट वॉच फर्स्ट बिफोर द स्टार्ट लर्निंग वीवीए, इसको आपको पहले देखनी है। ये आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग है। फिर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे सारा सिक्वेंसली अरेंज्ड है। आपको वीवीए कोर्स इंट्रो है यहाँ पे, इसको देखना है, इंट्रो नोट्स भी है इसके अंदर, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आपको, फंडामेंटल्स है, और एक सिक्वेंसली है, और इसमें अपडेट भी होते रहते हैं आप देखेंगे तो। जैसे देखिए प्रोजेक्ट अपडेटेड है यहाँ पे, उसके कोड्स हैं यहाँ पे, और इसमें बहुत सारी चीज़ अपडेटेड होते रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं रेंज मेथड न्यू, रेंज यहाँ पे है, रेंज मेथड ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ, लेकिन पुराना वीडियोज है, हमने न्यू वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही कुछ नया मिलता है तो इसमें हम अपडेट कर देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे वीडियो, जबकि कुछ वीडियोज पुराने हैं, कुछ वीडियो नए, जैसे ये सब वीडियो देख पा रहे हैं, सब नए वीडियोज है, सब नए वीडियोज है, ये सब नए। और इसके अलावा इसके प्रोजेक्ट्स भी जो है इसमें आते रहते हैं, तो वो आप देखेंगे कि वीडियो की जो काउंट है वो हर हफ्ते में एक दो बढ़ जाती है। ओके, जैसे इसमें 100 वीडियोज है तो आप पिछले हफ्ते देखा हुआ था 99 था, इसमें 41 है, तो इस दोनों में कोई फोल्डर में आपको वीडियोस बढ़ते हुए दिखेगा, तो ये ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें कब है, जब आप खुद से सीखना चाहते हैं, अगर आप लाइव क्लास की बात करते हैं तो लाइव क्लास का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका ए रहा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है ध्रुव जी। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है 45 to 50 आवर्स की है, मंडे टू फ्राइडे आपको तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे की क्लासेज होती है। इसके अंदर तकरीबन 13 चैप्टर्स है, इसमें बेसिक्स है, कंडीशंस है, लूप्स है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, यहाँ मिल जाएगा। बैच की साइज 1 से 3 होती है, डायरेक्ट आप मेरे साथ इंटरेक्ट रहेंगे, जो पूछना चाहे डायरेक्ट मेरे साथ पूछ सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं क्या सर जी? रिकॉर्डिंग में कुछ अगर परचेज रिकॉर्डिंग परचेज किया तो कुछ प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम के लिए देखिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो क्लास के समय पूछ सकते हैं, क्लास के समय भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ दिखाना है या कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। आपने रिकॉर्डिंग लिया हुआ है फिर भी आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके 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 सर। तो ये आपकी क्लासेस की जो चीज़ें हैं, ड्यूरेशंस है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, राइट अब इसमें एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने रिकॉर्डिंग को परचेज किया है तो ये जो फीस आपको, ये इसकी फीस वीवीए की लाइव क्लास की फीस है, इसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग में वीवीए पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है सर? ओके
मतलब कि हम आपसे जो कोर्स, अगर मान लीजिए क्योंकि भाई स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड कोर्स से लाइव क्लास में कन्वर्ट होते हैं, तो रिकॉर्डेड का भी जो पैसा लगाया हुआ है वो उसको हम रिवर्स ओके कर देते हैं लाइव क्लास, तो उतना कम देना पड़ता है। सर, अभी मैंने आपका कोर्स